नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे अपने YouTube चैनल द फैक्ट आई में। आज हम आए हैं यहाँ लोगों के बीच और जानने वाले हैं उनके विचार कि वो क्या सोचते हैं बाबा राम रहीम के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, कितने समय से डेरा सच्चा सौदा के बारे में जानती हैं या बाबा जी के बारे में जानती हैं? हम बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा में आते हैं। हमारे पेरेंट्स ने पहले नेम ले रखा था, फिर हमें भी दिलवाया उन्होंने, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि आपके पेरेंट्स यहाँ आते थे तो इस वजह से आप लोग भी यहाँ आते थे और बाबा जी के अनुयायी हैं आप लोग। अब हमें बताइए कि आप खुद एक लड़की हैं, कितना एक सेफ अपने आप को देखती हैं यहाँ डेरा सच्चा सौदा में? बहुत ज़्यादा मैं यहाँ सेफ देखती हूँ अपना, बहुत खुशी होती है तब मैं यहाँ पर आती हूँ। तो किस तरह के काम बाबा जी आप लोगों से कराते हैं? अच्छे अच्छे काम करवाते हैं बाबा जी हमसे, कोई ऐसी गौर को उन्होंने कोई काम नहीं करवाया उन्होंने कभी भी। आपने कहा कि बाबा जी हमेशा अच्छे काम कराते हैं, कोई गलत काम आज तक बाबा जी नहीं करा रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि बाबा जी गलत नहीं करा रहे हैं, लेकिन मीडिया कह रही है कि बाबा जी गलत ही गलत करा रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगी कि मीडिया सच बोल रही है या आप लोग सच? मीडिया झूठ बोले जा रही है, हम सब सच बोले जा रहे हैं। हम इतने वर्षों से आ रहे हैं डेरे में, हमने कभी कुछ नहीं ऐसा देखा जो मीडियो ने ऐसा झूठ वगैरह टीवी पे सभी को दिखाया है। आपने कहा कि आपने इतने टाइम में कुछ भी गलत नहीं देखा जैसा कि मीडिया दिखा रहा है, तो मैं क्या मानूँ कि आप लोग सच बोल रहे हैं या मीडिया सच बोल रही है? हम लोग क्या सबूत है कि हमने देखा होता फिर तो हम बोलते कि बाबा जी ऐसे हैं। हमने कुछ भी नहीं देखा बाबा के बारे में, हम ऐसे क्यों बोलें कि बाबा जी ऐसे हैं? आपने कहा कि आप खुद यहाँ देख रही हैं, प्रत्यक्ष दर्शी रही हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं देखा तो आप क्यों बोलेंगी कि बाबा जी गलत कर रहे हैं? और मीडिया जो गलत बोल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मीडिया ऐसे बोलती रहती है और मीडियों को तो बस वो न्यूज़ बनानी होती है, हाँ हमने ये बनाना है आज कि हमें ये वाली खबर ऐसे डालनी, हमने ये वाली खबर है, झूठ झूठ बोलने की आदत है उनको, तो इसलिए सीधा सीधा कटाक्ष इन्होंने मीडिया पे किया है कि मीडिया तो अपनी TRP के लिए और न्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी गलत अफवाहें फैलाती है। ये थे हमारे साथ वो लोग जो काफ़ी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के हर कार्य के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने विचार बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द फैक्ट आई।